शॉटगन एक स्नाइपर टॉप 100 पुशिंग जर्नी में भाई स्वागत है आप सभी का। और आज मैचेस भाई बड़ी इंटेंस जाएंगे। स्नाइपर से शॉर्ट रेंज में क्या ही तो खतरनाक वाला 1v1 फाइट होता है। और लास्ट सीजन हम लोग के पास स्नाइपर का टॉप 5 का और शॉटगन का टॉप 24 का टाइटल होता है, लेकिन ये सीजन हम लोग भाई स्नाइपर और शॉटगन में इंडिया में तो छोड़ अपने स्टेट में भी नहीं होते, क्योंकि अभी ये सीजन को जाने में और बहुत दिन बचे। तो शॉटगन स्नाइपर को हम लोग इंडिया तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में शॉटगन को टॉप 10 और स्नाइपर को टॉप 1 ले जाने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से गेम को स्टार्ट करते हैं। अब भाई फर्स्ट मैच में ही स्नाइपर को ढूंढ ही रहा होता हूँ कि एक एनिमी पीछे से क्या ही तो डैमेज करता है यार। फटाफट से वॉल लगा के उसको थोड़ा सा डैमेज करता हूँ ताकि वो डर के रश ना करे, और उसकी वॉल पे स्काइलर भी मारता हूँ, और उसको थोड़ा सा पैनिक करने के लिए उसकी वॉल पे आयरस भी मारता हूँ, और उसके ऊपर मार्क आ रहा होता है तो उसको ग्रोजैक से बहुत ज्यादा डैमेज करता हूँ। एक हेडशॉट भी लगता है, लेकिन एनिमी ठीक ठाक होता है तो पत्थर के कवर में चले जाता है। तो फटाफट से हील अप करके मैं उसके रश करता हूँ, और देखो जैसे ही एनिमी थोड़ी सी पीक देता है क्या ही तो रेड नंबर से उसको एलिमिनेट करता हूँ। उसके लूट बॉक्स से लूट करने जा रहा होता हूँ कि एक एनिमी मेरे को थोड़ा सा डैमेज करता है। सुपर मेडकिट लगा रहा होता हूँ कि वॉल ब्रेक होने लगती है, तो जल्दी से वॉल लगा के एक सुपर मेडकिट लगा लेता हूँ। और जैसे ही एनिमी थोड़ा सा बाहर निकल के आता है तो पीकल लेके निकलने लगता है। अब उसके पास निशा होती है तो एम बिल्कुल भी नहीं आता है। तभी ब्रिज के ऊपर मैं एक एनिमी को स्पॉट करता हूँ जो ब्रिज के ऊपर गेम को होल्ड कर रहा होता है, जिसको बॉडी बॉडी मार के मैं इजिली डाउन निकाल लेता हूँ। उसका सोनी एक्टिव होता है कि वॉल पे आयरस मारता है, उसके ऊपर मार्क भी आ रहा होता है, और मैं वेट कर रहा होता हूँ उसके रिवाइव होने का। लेकिन भाई पता नहीं क्यों यार उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर पता नहीं कहाँ से एक एनिमी मेरे को डैमेज करता है। तो जल्दी से हील अप कर लेता हूँ और मिनी लॉन्च पैड का यूज करके ब्रिज के ऊपर निकल आता हूँ। और ये गेम में ना तो मुझे शॉटगन मिलती है बहुत देर ढूंढने के बाद, और ना ही स्नाइपर। एनिमी वॉल लगा लेता है तो उसकी वॉल पे एंटी लॉन्चर मारता हूँ। आयरस चार्ज नहीं होता है तो एंटी लॉन्चर से उसकी वॉल को ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। और फिर बहुत देर डैमेज करने के बाद, एंटी लॉन्चर फेंकने के बाद, जब एनिमी बहुत ज्यादा डैमेज होता है तो उसकी वॉल पे आयरस मारता हूँ। और रेंडमली क्या ही तो हेडशॉट लगता है यार। हेल्थ थोड़ी सी कम होती है तो सुपर मेडकिट लगा लेता हूँ, उसके लूट बॉक्स से लूट कर लेता हूँ। और फिर थोड़ा ब्रिज पे गेम को होल्ड करने के बाद एयर ड्रॉप के पास एक एनिमी को स्पॉट करता हूँ, जिसको बॉडी बॉडी मार के मैं इजिली एलिमिनेट कर देता हूँ। लेकिन वो एनिमी भी मेरे को डाउन निकाल देता है। अब क्योंकि मेरे पास सोलजेन होता है तो जल्दी से सोलजेन से रिवाइव हो जाता हूँ, और मैट किट लगा के अपनी वेस्ट को रिपेयर कर लेता हूँ। जस्ट लास्ट का एक ही एनिमी अलाइव होता है, तो जल्दी से हील अप करके मिनी लॉन्च पैड का यूज करके सीधा मैं आ जाता हूँ लास्ट वाले जोन में। और इस घर के सारे डोर पे मैंने लैंडमाइन लगाई होती है, और जैसे एनिमी बाहर निकल के आता है वो लैंडमाइन से फूट जाता है। और ये गेम में बोया तो होता है 7 किल के साथ, लेकिन वो खुशी नहीं होती। प्लस भी 55 का होता है, लेकिन भाई खुशी नहीं होती, क्योंकि ये गेम में ना स्नाइपर का और ना शॉटगन का ग्लोरी मिलता है। लेकिन नेक्स्ट गेम ही थोड़ा ढूंढने पे शॉटगन स्नाइपर मिल जाती है, एंड जस्ट लास्ट के 8 ही एनमी अलाइव होते हैं। एक एनमी को स्पॉट करता हूँ, उसकी वॉल पे आयरस चालू करता हूँ, तभी एक एनमी शॉर्ट रेंज में आता है। होमर की एबिलिटी को एक्टिव करता हूँ, स्नाइपर का शॉट मिस होता है, होमर हिट करता है शॉटगन का, बॉडी बॉडी मार के इजिली एनमी को डाउन निकाल लेता हूँ। एनमी हॉल लजाइन ले रहा होता है तो हेडशॉट से किल फिनिश कर लेता हूँ। लूट बॉक्स से लूट करने के बाद सीधा लास्ट जोन में आ जाता, तो यहाँ पर मेरी वॉल थोड़ी सी अटक जाती है, तो मैं जल्दी से पैक करके सुपर मेडकिट लगा लेता हूँ। जस्ट लास्ट के 2 ही एनिमी अलाइव होते हैं, और उन दोनों का ही फाइट हो जाता है। तो इसी का एडवांटेज लेके मैं अपनी पीछे वाली वॉल को ब्रेक करता हूँ, और जल्दी से परमानेंट कवर में आके अपनी शॉटगन को भी रिलोड कर लेता हूँ। सेफ जोन भी श्रिंक हो रहा होता है तो वेस्ट को भी रिपेयर कर लेता हूँ, और एक एक्स्ट्रा सुपर इनहेलर लगा लेता हूँ। लैंडमाइन से एनिमी को डैमेज होता है, शॉटगन का बॉडी बॉडी मारता हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉटगन रिकॉल करती है। लेकिन स्नाइपर का शॉट कनेक्ट करके एनिमी का सोनी एक्टिव कर देता है। जस्ट लास्ट एक एनिमी अलाइव होता है, शॉट कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ, शॉट मिस होता है, तो कवर में आके वेस्ट को रिपेयर कर लेता हूँ। एनिमी वॉल के आर पार निकल आता है, उसको शॉटगन से डैमेज करता हूँ, और सेफ जोन श्रिंक होता है तो विंडो से जंप करता हूँ, शॉटगन को रिलोड करता हूँ, और बाहर निकल के एनमी को थोड़ा सा डैमेज करने का ट्राई करता हूँ, और इजिली शॉटगन का बॉडी बॉडी मार के एनमी को एलिमिनेट कर देता हूँ। और ये गेम में पिछले गेम से बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि ये गेम में शॉटगन का 100 और स्नाइपर का 61 ग्लोरी मिल जाता है, प्लस का 31 मिलता है, और 5 की स्ट्रीक बन जाती है। तो फिर नेक्स्ट गेम में गेम को होल्ड कर रहा था, स्ट्रीक बनाने के लिए टावर पे एक एनमी होता है जिसके ऊपर रेड एम आता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो एलिमिनेट नहीं होता है। फिर एक और बार शॉट कनेक्ट करता हूँ, लेकिन शॉट कनेक्ट नहीं होता। तभी पीछे एक एनमी निकल के आता है, जिसको स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट करता हूँ, लेकिन वो मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। तो डोर को ब्लॉक करके सुपर मेडकिट लगा लेता हूँ,
वो पहले वाले एनमी का फाइट हो जाता है, तभी मॉन्स्टर ट्रक वाला एक एनमी निकल के आता है जिसको स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट करता हूँ। MP40 का बॉडी मार के इजीली एनमी को एलिमिनेट कर देता हूँ। बहुत तेजी से एक एनमी के फुटस्टेप आते हैं और ये गेम में मुझे याद नहीं होता कि मेरे पास शॉर्ट गन नहीं है, MP40 है। तो यहाँ पर लूट बॉक्स से लूट करता हूँ, एनमी को जैसे ही स्पॉट करता हूँ तो स्नाइपर का शॉट मिस होता है और बिना हिलअप करे MP40 को शॉर्ट गन समझ के उसके ऊपर रश करता हूँ और इजीली एनमी यहाँ पर मेरे को ट्रोगन से एलिमिनेट कर देता है और मेरी 5 की विनिंग स्ट्रीक ब्रेक हो जाती है। और ये गेम में भी इतना ज्यादा होल्ड करने के बाद भी मेरे को स्नाइपर का ग्लोरी नहीं मिलता, तो नेक्स्ट गेम में मैं गेम को बहुत ज्यादा होल्ड करके खेलता हूँ क्योंकि आईडी में ग्रैंड मास्टर भी लगाना होता है यार। और ये गेम में ना ही तो मेरे पास स्नाइपर होती है और ना ही शॉटगन, तो फिर वुड पैकर और 2 गोली वाली शॉटगन के साथ ही यहाँ पर टावर पे एक एनमी को स्पॉट करता हूँ जिसके ऊपर एम ही बना रहा था स्नाइपर, सोच के कि एनमी भाई क्या ही तो हेडशॉट लगाता है यार। और एक बार इसका नाम देखो भाई, केला ले लो नाम होता है भाई, और ACATC एनमी मेरे को इतना इजीली फिनिश कर लेता है। अब भाई हमेशा स्नाइपर को यूज करने वाला प्लेयर कभी ऐसे स्कोप वाली वेपन को यूज करेगा तो कुछ ऐसा तो होगा ही ना। तो फिर मैं आ जाता हूँ सीधा नेक्स्ट गेम में पीक की छत पे और एक एनमी को स्पॉट करता हूँ जिसको स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट करता हूँ। और ये गेम में मैं पहले से ही 3 किल शॉटगन से निकाल लेता हूँ। अब स्नाइपर का पहला शॉट तो मिस होता है लेकिन दूसरे शॉट में एनमी का सोनी एक्टिव होता है। अब वो जल्दी से दिमित्री चालू करता है तो इसकी प्रोटेक्शन वाली वॉल को खोल के जल्दी से को एलिमिनेट कर देता हूँ। और भाई तुम ईवो वाली शॉटगन का पावर देख रहे हो, मतलब भाई प्रोटेक्शन वाली वॉल को इतना इजीली ब्रेक कर देता है। और जब मैं विदाउट गन स्किन खेल रहा होता हूँ तो भाई शॉटगन से तो ग्लू वाली ब्रेक नहीं होती है यार। तो फिर और थोड़ी देर गेम को होल्ड करता हूँ, तभी यहाँ पर हवेली के ऊपर 2 एनिमीज का फाइट हो जाता है और इन दोनों के साथ मैं आ जाता हूँ थर्ड पार्टी करने। एक एनिमी बहुत ज्यादा डैमेज होता है और उसको शॉटगन का बॉडी मार के इजीली फिनिश आउट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर एक एनिमी वॉल के अंदर पैक भी होता है एंड भाई ये अच्छे से पैक भी नहीं कर पा रहा है, इसको डैमेज है। एंड वेट, इसकी ग्लूअल के अंदर मैं जंप नहीं कर पाया, इसने इधर लैंडमाइन लगाई लेकिन मैं इसको इजीली एलिमिनेट कर लेता हूँ। और वापस से आ जाता हूँ नीचे पत्थर के पास, सामने जीप वाला एनमी होता है जिसको एक शॉट कनेक्ट किया है एंड उसका सोनी एक्टिव है। एंड वेट, इसके पास सोलर आई नहीं होता है तो ईजिली किल फिनिश हो जाता है एंड जस्ट लास्ट के 2 एनमी अलाइव होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शॉट मिस होते हैं तो मैं जल्दी से एनमी के शॉर्ट रेंज में आता हूँ। एंड ये जस्ट लास्ट वाला एनमी अलाइव होता है जिसको शॉर्ट गन से बहुत ज्यादा डैमेज होता है। भले इसके पास अच्छे कपड़े नहीं होते लेकिन ये प्लेयर काफी खास होता है, लेकिन इजीली हम लोग ये गेम को भी बोया कर लेते हैं और हम लोग को 55 का प्लस मिलता है क्योंकि ये गेम भी हम लोग का डेली मिशन होता है। और ये गेम में हम लोग को स्नाइपर शॉर्ट गन दोनों का ग्लोरी पूरा 100 का मिल जाता है। अब नेक्स्ट गेम में AWM मिली होती है कि एक एनमी मेरे को डैमेज करता है और यहाँ पर वॉल थोड़ी सी मिस होती है, तो यहाँ पर वॉल लगा के सुपर मेडकिट लगा रहता हूँ। एनमी एंटी लॉन्चर से मेरी वॉल ब्रेक करने का ट्राई करता है तो उसको डराने के लिए स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट करता हूँ, लेकिन भाई एनमी के पास लेवल 4 का वेस्ट होता है और एनमी भी यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट क्लू लूटा होता है, तो यहाँ पर वो मिनी लॉन्च पैड लगा के भाग जाता है और थोड़ा सा मिनी लॉन्च पैड को इधर उधर लगा के मैं उसके ऊपर रश कर देता हूँ और एनमी अभी भी पर होता है, तो स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट करता हूं और वॉल लगा लेता हूं। और क्योंकि ठीक ठाक सा एनमी होता है तो इसको MP40 से हम लोग को एलिमिनेट करना होगा। इसके पास मैक्स 7 भी है एंड इजीली 2 शॉट कनेक्ट करके मैं MP40 से एनमी को एलिमिनेट कर देता हूं। इसके लूट बॉक्स से भी मेरे को काफी ठीक ठाक सी लूट मिल जाती है एंड के को मैं जल्दी से EP में कर लेता हूं। एंड यहां पर अभी तक मेरे पास शॉटगन नहीं होती है तो बॉक्स से शॉटगन लूट करने आता हूं और थोड़ा सा ढूंढने के बाद मेरे को बॉक्स से शॉटगन मिल जाती है, लेकिन एक एनमी ऊपर से भाई क्या ही तो डैमेज करता है, तो फिर जल्दी से वॉल लगा के शॉटगन को 3 चिप करके सीधा लास्ट जोन में आ जाता हूं और सेफ जोन भी श्रिंक होने लगता है भाई। और सामने एक एनमी को स्पॉट करता हूं जिसको स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट करता हूं, लेकिन एनमी को 203 का डैमेज होता है। लेकिन यहां पर आने के बाद पता चलता है कि भाई यहां पर मेरे साथ तो मोय मोय हो गया और ये गेम में हम लोग का शॉटगन का 8000 ग्लोरी भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट गेम में आर्सेनल को एक एनमी ने चार्ज किया होता है तो जल्दी से मॉन्स्टर ट्रक को 200 की स्पीड में मैं लेके आता हूं आर्सेनल के पास, ड्रोन को एक्टिव करता हूं और एनमी को क्या ही तो हेडशॉट लगता है भाई स्नाइपर का। हॉलोजाइन ले रहा होता है तो जल्दी से अपना किल फिनिश कर लेता हूं। यहाँ पर भाई बहुत देर ढूंढने के बाद इसके लूट बॉक्स से लूट करने के बाद गेम को होल्ड करने आ जाता हूँ सीधा ब्रिज के पास और सामने भाई 3 एनमीज का फाइट हो रहा होता है और भाई वो एनमी मेरे को क्या ही तो डैमेज करता है यार और डाउन भी कर देता है, लेकिन आर्सेनल वाले एनमी का हॉलोजाइन मेरे काम आ जाता है और मेरे को रिवाइव मिल जाता है। तो फिर जल्दी से बिना हिलअप करे इधर से थर्ड पार्टी करने का ट्राई करता और एक शॉट भी कनेक्ट होता है लेकिन एनमी के साइड पे, तभी एक एनमी ब्रिज पे निकल आता है और सामने पेड़ के पास एक एनमी होता है जिसके ऊपर एम ले रहा होता है और जैसे ही वो बाहर निकल
मिलता है स्नाइपर का, एक शॉट कनेक्ट करके बिजोन में शिफ्ट करके इजीली उसको एलिमिनेट कर देता हूँ। जिस लास्ट का एक ही एनिमी अलाइव होता है ब्रिज के पास वाला, एंड ये गेम में सेफ जोन का सेंटर नीचे बना होता है और मेरे पास नेड भी नहीं होता और एनिमी भाई क्या ही तो नेड मेरे ऊपर बरसा देता है यार। तो फिर एनिमी सेफ जोन के सेंटर में अपने सेंटोनियो को फेंक मारता है, तो मैं भी जल्दी से ब्रिज से नीचे जंप करता हूँ और वेट करता हूँ इसके सेंटोनियो के यूज करने का, लेकिन भाई ये सेंटोनियो को यूज ही नहीं करता है यार। और अब तुम लोग को पता चलेगा भाई कि क्यों कॉन्फिडेंस तो जरूरी होता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। अब यहाँ पर इमोट शॉट मारने का ट्राई करता हूँ लेकिन एनिमी भाई क्या ही तो डैमेज कर देता है, और नूबड़ा सा एनिमी होता है भाई, लेकिन भाई बॉडी बॉडी मार के ये मेरे को इजीली एलिमिनेट कर देता है और ये गेम में मेरे हाथ में बोया होता है, लेकिन भाई अपनी गलती की वजह से मैं ये बोया मिस कर देता हूँ। लेकिन स्नाइपर का पूरा ग्लोरी मिलता है और हम लोग का टोटली 8000 स्नाइपर में और 8000 ही शॉटगन में ग्लोरी हो जाता है। और हाँ, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि स्टार्टिंग में भी सेम ग्लोरी था, एंडिंग में भी सेम ग्लोरी है, तो मैंने जो इंट्रो रिकॉर्ड किया है वो वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद किया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा कि इंट्रो को पहले रिकॉर्ड कर लूं देन मैं गेम प्ले रिकॉर्ड करूं। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोग से कल।